कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मजा आ जाएगा, इसको करने के बाद आपको मजा आ जाएगा। कैसे होगा ये क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, और बोला है ए बी सी में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से तो क्या ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यस और नो बताओ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल से जल्दी समझते हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो एग्जाम्पल से जल्दी समझता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ क्या ये चीज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसके रूट पूछ लूं, रूट, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर ये दोनों ही फैक्टर यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो दोनों ही बार हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन मिलेगी, दो दोनों ही फैक्टर सेम ही तो हैं, दोनों बार आप एक्स प्लस वन को जीरो कर लो, क्या दोनों बार हमें सेम रूट मिलेंगे, यस और नो। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर होल स्क्वायर है तो दोनों रूट हमें सेम ही मिलते हैं, तो तभी तो हम बोलते हैं इक्वल रूट्स, यस और नो, तभी तो हम लोग बोलते हैं इक्वल रूट्स है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर यहां पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एक्स की वैल्यू और इसकी एक्स की वैल्यू सेम ही तो हुई, तो इक्वल रूट्स हो गए ना, मतलब इक्वल रूट्स। और अगर इक्वल रूट्स है किसी में, यहां पे भी तो होल स्क्वायर है, यहां पे भी तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसकी रूट्स कैसे हैं बेटा, इक्वल रूट्स हैं। और बेटा इक्वल रूट्स हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है। तो क्या बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी पार्ट आएगा, और तुम लोग बता रहे हो बी पार्ट, तो भैया महा गलत कर दिया तुमने, है कि नहीं, महा गलत कर दिया। टू बी बराबर, अच्छा कुछ बच्चों को फीलिंग आ रही होगी, सर एक चार नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसका आंसर टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, सर हमारा आंसर वही आ गया, सर आपने वो आंसर क्यों नहीं करा बी पार्ट, सर बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है टू बी बराबर ए प्लस सी, सर आपने डी पार्ट क्यों करवा दिया। अरे महाराज फीलिंग से नहीं चलना है, इसमें आंसर डी पार्ट आएगा, ठीक है, फीलिंग मत लगाओ कि हमारा बोर्ड एग्जाम में ये आया था और वो आया था, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ठीक है, यहाँ पे आंसर डी पार्ट होगा। क्यों होगा, फिर से सुन लो, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता है तो दोनों रूट बराबर आते हैं, दोनों रूट बराबर का मतलब इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, दैट्स ऑल, ठीक है।